मैं ये कह रहा था कि जो दूध हमने दिया ये बहुत गर्म था, अगर जो दूध बिल्कुल कच्चा होता ठंडा तो शायद उसको 1.5 किलो ज़्यादा पी जाते। सर आपके द्वारा एक दूध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है, क्या कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? सर्वप्रथम मैं सभी हरियाणा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हमने दूध पियो स्वस्थ जियो प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जैसा आप सबको विदित है, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, उसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने यह एक प्रतियोगिता कराई है। कहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजन किया गया? प्रतियोगिता का आयोजन प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा सांपला बाईपास पर किया गया है, और इसके साथ साथ में जो दूध है वो भी प्रताप डेयरी फार्म, जिनका नाम ही शुद्धता का प्रतीक है, उन्हीं का दूध आज हमें यहाँ जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए तैयार कर रखा है। जो ज़्यादा दूध पिएगा उसको इनाम वितरित किया जाएगा किस तरीके से? जो इस प्रतियोगिता में, एक तो हमारी तरफ से ये भी है कि भाई सामर्थ्य से अधिक कोई दूध ना पिए, लेकिन फिर भी लगभग जितने प्रतिभागी आए हैं इनमें से जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको समिति की तरफ से 5100 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। किस समिति की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा? ये जग उत्थान खेल शिक्षा समिति इसकी मुख्य आयोजक है, सहयोग में आर्यवर्त ट्रस्ट, इसके साथ साथ में तिरंगा युवा समिति, समाज कल्याण परिषद रोट, एक लक्ष्य सेवा, युवा समिति रोहना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पौधारोपण किया है, गीता भेंट की हैं, तो इस प्रकार से लगभग 5-6 समितियां इसमें कार्य कर रही हैं। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि SDM खरखोदा हैं, उनसे मेरी अभी बात भी हुई थी, आज उनकी मीटिंग है, तो वो लगभग समापन के समय में हमारे मध्य में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ में SHO खरखोदा जी और विजेंद्र हुड्डा जी जो CCS खरखोदा है, ये हमारे कार्यक्रम में रहेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सतप्रकाश नंबरदार जी प्रताप स्कूल खरखोदा की देखरेख में हो रहा है। इसके साथ साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि आज सुनील पहलवान जी हरियाणा केसरी हैं, जिन्होंने कुश्ती दंगल में मुर्रा नस्ल की जोटी जीती थी, वो भी आज हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज हरियाणा दिवस है और हमारा जो हरियाणा है, जहाँ भी हरियाणा शब्द आता है, हरियाणा शब्द को इसी चीज़ से जाना जाता है, जी दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। मेरे सोमवीर आर्य भाई साहब ने और उनकी समस्त टीम ने, हमारे समस्त भाईचारे के सहयोग से जो ये प्रतियोगिता हो रही है, इससे यह संदेश जाता है हर जगह कि भाई जो प्रतियोगिता आप लोग कराते हो, जिन चीज़ों को हरियाणा को जिन नामों से जाना जाता है, उन चीज़ों को आप आगे बढ़ाओ। जैसे कि भाई साहब ने, धमल भोजी साहब ने पहले विचुरमा प्रतियोगिता कराई है, उस चीज़ का इतना क्रेज हो रहा है, जहाँ भी भोजी साहब जाते हैं इनको चूरमा मैन के नाम से जानने लग गए हैं। सेम ऐसे ही दूध चूरमा या कुछ भी खाने पीने के जितना जो भी सामान होता है, हमारे हरियाणा के आदमी ताकतवर होते हैं, उनको इन्हीं चीज़ों से पहचाना चाहता है, खान पान से और पहनावे से। पहनावा भी आपने देखा होगा, हमारी तो अभी उम्र कम है, तो जी साहब का पहनावा देख लो, हमारे अंकल जी धनखड़ साहब का पहनावा देख लो, यहाँ के जो आदमी होते हैं वो ठेठ देसी होते हैं, उनका देसी खान पान होता है, और उनकी ताकत को मापने के लिए, उनका ध्यान इस तरफ करने के लिए यह प्रतियोगिता कराई गई है, ताकि नशा पता छोड़कर आप खान पान की तरफ बढ़े, खान पान पर ध्यान दें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद आप सभी साथियों का। प्रतियोगिता में 5 लीटर दूध पीकर सतबीर पुरखास बोला, दूध गर्म ना होता तो 1.5 लीटर और पी जाता। पुरखास जिला सोनीपत के 58 वर्षीय सतबीर ने 5 लीटर दूध पीकर जीती दूध पियो स्वस्थ रहो प्रतियोगिता। खरखोदा जिला सोनीपत के उपमंडल खरखोदा में 1 नवंबर को सांपला रोड पर हुई दूध पियो स्वस्थ रहो प्रतियोगिता का आयोजन जग उत्थान खेल शिक्षा समिति द्वारा करवाई गई। ये प्रतियोगिता करवाई गई जिसमें 88 प्रतिभागियों दूध पियो स्वस्थ रहो में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 2 ग्रुप बनाए गए,
जिसमें पहले ही ग्रुप के गांव पुरखास जिला सोनीपत के 58 वर्षीय सतबीर ने जीती दूध पियो स्वस्थ रहो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में 5 लीटर दूध पीकर जीत दर्ज की और 5100 रुपये इनाम जीता। दूसरे नंबर पर हवा सिंह पुत्र करतार सिंह गांव मटिंडू ने 3 किलो 800 ग्राम दूध पिया। तीसरे नंबर पर संदीप पुत्र राजबीर गांव सिसाना ने 3 किलो 500 ग्राम दूध पिया। इन सभी जीतने वाले प्रतिभागियों को सील्ड व नकद राशि देकर उत्साहित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूध पी लिया, लेकिन दूसरा जो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है उसका आपको पता नहीं लगेगा कि आपने उसने कितना दूध पिया। यदि डॉक्टर की टीम बीच में किसी प्रतिभागी को उठाना चाहे समय से पहले, तो उसको प्रतियोगिता में से हिस्सेदारी खत्म करने का। हमारे मित्र में आदरणीय सतपाल जी, मेरे चाचा जी और तस्वीर जी से मैं विनती करता हूं कि वो एक बार यहां मंच के सामने ही आ जाए। पीना चाहता है तो मीठे दूध की व्यवस्था भी है। आप अपना बेंच छोड़ के यहां से नहीं जा सकते, आपको यहीं खड़े हो सकते हो अपने स्थान पर। आपके हाथ में जो ये बैंड लगा हुआ है, इस बैंड पे मोंटू जो मेरा साथी है किटोली वाला, उस पे आपका समय डाल देंगे। उससे जैसे ही समय आपके उस पे आएगा, वहां से आपका समय काउंट होना शुरू हो जाएगा। आगे आ जाए आप चाचा जी, आगे आ जाए। इसके साथ साथ में आप ध्यान दें, यदि कोई प्रतिभागी उल्टी कर देता है तो उसकी प्रतियोगिता से हिस्सेदारी हटा ली जाएगी, क्योंकि प्रतियोगिता का नाम है दूध पियो स्वस्थ जियो। हमारा उद्देश्य है हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने का। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में धनराशि दी जाएगी। हाँ,
सभी प्रतिभागियों से निवेदन करेंगे नेटवर्क नेटवर्क नहीं वो भी इशू का अपना है थोड़ा कर बैग में आके लिखू आगे लिखू पीछे लिखू थोड़ा पीछे हो अंकल जी थोड़ा पीछे हो कोई नहीं उन्हें रहने दो कोई एक बार आप ध्यान दे भाई सुनो जो प्रतिभागी है ना आप या तो ऊपर चले जाओ ऊपर व्यवस्था है ऊपर से देख सकते हो आप यहां से कोई भी अनावश्यक यहां पे ना खड़ा रहे हमारी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें आप हमारी इस खेल प्रतियोगिता में स्वामी जय रूपा जयकरण जी के द्वारा 4000 का योगदान दिया गया है समिति की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देना है इनको और आदरणीय ठेकेदार जयकरण जी और पूरी कमेटी आदरणीय ठेकेदार जयकरण जी को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 11000 का योगदान दिया है उनको
स्टार्ट दे पूरी कमेटी के द्वारा सब इंस्पेक्टर कमल जी और साथ में भाई प्रवीण कुमार जी आप ठंडा कर पियो कोई तकाजा नहीं रहा है।
गमशाला गांव में इनका, इन्होंने पार्टिसिपेट मटिंडू में भी किया था। मेरे अच्छे मित्र हैं ये, क्रिकेट भी खेलते थे ये पहले। तीसरी जो पोजीशन है ये मेरे जो ऑफिशियल थे ना, थोड़ा सा इनको भी बताना चाहिए था कि तीसरी पे बराबर रख दिया आपने। हार्डलाइन मैच जैसे होता नहीं वैसा ही काम यहाँ होगा। तीसरी पोजीशन 3.5 लीटर पे दो प्रतिभागी हैं, जिसका एक का नाम है संदीप सपुत्र श्री राजवीर सिसाणा से, अपील सन्नोफ नरेश वरुणा से 3.5 लीटर। अब मैं कौन से विनती करूंगा कि आगे का कार्यक्रम आपके द्वारा व्यवस्थित किया जाए। पहलवान भी आए राकेश कबड्डी कोच, कोच साहब से प्रार्थना है एक बार आए, फोटो उतारे सारे। राकेश कोच साहब फोन आप एक बार आ जाओ, पूरी टीम हो जाएगी। मोहित खोखर, नवनीत, अजय धनखड़, फूलमाड़ा का नगर, अजय धनखड़ भाई साहब भी साथ में किसने भेज देंगे हमको आ जाओ जी। राकेश जी फोटो खींच दो यार, आगे दोनों बुला लिए इकट्ठे जी। संदीप सन्नोब राजवीर सिसाणा और अपील सन्नोब नरेश गांव बरौना, टीम भरत सिकारा और फौजी असलापुर, इन्हीं का नजर है। दूसरा इनाम दिया जा रहा है। ऑफिशियल की टीम जितने वीर सिंह आज के इस प्रतियोगिता का निर्णय किया वे भी सभी आए। थोड़ा सा ना जितने थोड़े हो जाओगे ना सबका फोटो आऊंगा। ਨਗਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖ ਬੜੀ ਐਸਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਲ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਉਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ले भाई वर्दियां भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हरियाणा। जय हरियाणा। जय हरियाणवी जी। बताओ जी क्या नाम आपका, कहां के रहने वाले हैं? मेरा नाम सतवीर सन्नोफ बरतू, गांव पुरखास दिरान, जिला सोनी, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत जी। आज यहां आप दूध पियो प्रतियोगिता में आए हैं। हाँ जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे आपको पता लगा और यहां तक कैसे आए? जी हमको ये पता चला कि आप इन्होंने अखबार में निकलवा रखी थी कि भाई फलानी तारीख को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें दूध पीने वाले वो आए आग और अपना अभ्यास करें। तो जी मैंने पता लगया कि भाई खरखोदा में दूध पीने के मुताबिक जाना है, और मैं कहा चलो मैं युवा हूँ वो देख आऊँगा। भाई मैंने आज तक किया तो है नहीं शरत मार के कोई, लेकिन मैं देख आऊँगा। तो इस वजह से मैं यहाँ आया जी। आए पीछे मैंने देखा हाँ भाई प्रोग्राम सही चल रहा है, तो इसीलिए मैंने भी हिस्सा ले लिया जी। यहाँ मैं भी अपना बैठ गया, मैं कहा चल भाई तू भी पी के देख ले। लेकिन मेरे को ना तो पैसे की वो थी जी, अग भाई तने पैसा लेना कुट के, ना मैंने कोई दिक्कत थी किसी किस्म की। पैसे दूध आपने पिया जी? ये 5 किलो दूध पिया जी मैंने। आज तक आपने इससे ज़्यादा दूध नहीं पिया है? हाँ जी पिया है बिल्कुल, गांव इकट्ठा करके गाँव पुरखास में 7 लीटर दूध पिया जी मैंने। 7 किलो दूध आपने पिया? वो पिया था कम से कम 20 वर्ष पहले। तो इससे पहले क्या काम करते हैं आप? हम जमींदारा करते हैं जी। कितने सालों से जमींदारा करते हैं? ये शुरू से करते आ रहे जी, बचपन से।
तो जैसे आज ये प्रतियोगिता खरगोदा के अंदर हुई है जी, क्या कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में, क्या इस तरह की प्रतियोगिताएं जारी रखनी चाहिए? मैं जी न्यू बताना चाह रहा हूँ, मैं जितने भी ये हमारे छोटे भाई है युवा है जो, मैं इनसे हाथ जोड़कर एक अपील करता हूँ कि भाई अपना ये दारू सल्फे नशे भांग धतूरा ये सब छोड़ गए और अपना घी दूध खाने की तैयारी करें, हैं, और अपना घी दूध खाओ और भाई इनमें भाग लो ताकि हमारे बच्चे पहलवान रहे जी। धन्यवाद। क्या इस तरह की प्रतियोगिताएं कराते रहना चाहिए? हाँ जी, करते रहना चाहिए जी इस तरह की प्रतियोगिता। तो ये कह रहा हूँ कि जो दूध हमने दिया ये बहुत गर्म था, अगर जो दूध बिल्कुल कच्चा होता ठंडा तो शायद किलो डेढ़ किलो ज़्यादा पी जाते। वीडियो बन ला रही है कि भाई पीछे तो किस दिन बड़ी ऐसा पीछे भाई लेफ्ट साइड में जा रहे हो ले भाई वर्दियां भारत माता की जय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।